भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने जी मीडिया द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में ढेर सारे खुलासे किए। उन्होंने जहां भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग रोधी इंजेक्शन का प्रयोग किए जाने की बात कही, वहीं हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के रास्ते भी उन्होंने पर्दाफाश किया। इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली के मतभेद पर भी चेतन शर्मा ने अपने पत्ते खोले, जो काफी हैरान करने वाले हैं। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर का मानना है कि दोनों के बीच किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, लेकिन दोनों में काफी अहंकार है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मतभेद को लेकर चेतन शर्मा ने कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अहंकार है। आप कह सकते हैं कि दोनों बड़े फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की तरह हैं। लेकिन चेतन शर्मा ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विराट कोहली का सबसे अधिक समर्थन किया है जब वो खराब दौर से गुजर रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि दोनों के बीच रिश्ते इतने भी खराब नहीं जितना मीडिया पर दिखाई देते हैं। चेतन शर्मा ने आगे कहा, T20I प्रारूप में शुभमन गिल को मौका देने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया। मैं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, शुभमन गिल और अन्य 15 से 20 खिलाड़ियों को टीम में लाया हूं, जिन्हें बड़े खिलाड़ियों के स्थापित होने की वजह से घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम में जगह नहीं मिल पा रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।